I'm Pooja from Dehradun, India. Welcome my channel, my hypnotism. Guys, I'm really happy कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हो और मेरी वीडियोस पे जो आपने कमेंट कर रहे हैं उसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई. लेकिन प्लीज अगर आपको कुछ कमियां भी लगती हैं तो वो भी आप मुझे लिख सकते हो. जैसे मैं कि बोलती हूँ कि मेरे को जो क्रिटिसाइज करते हैं उनकी बातों से भी न्यू मोटिवेशन मिलता है, नए आइडियाज मिलते हैं और मैं सिर्फ अपने व्यूज और आइडियाज आपके साथ शेयर करती हूँ. बाकी मेरा सच में कोई इंटेंशन नहीं है आप लोग को हर्ट करना या किसी को ब्लेम करना. तो गाइज स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो. देखिए जो मेरा वीडियो है ये भी एक तरह से मुझे किसी की बातों से लगा कि मुझे टॉपिक पे वीडियो करना चाहिए, तो मैं आपके सामने कर रही हूँ. और ये भी मेरा गर्ल्स ओरिएंटेड वीडियो है, तो प्लीज गर्ल्स ध्यान से देखिएगा. देखिए कुछ ने मुझे बोला, मैम आप जो पहनते हो बड़ा अच्छा लगता है, आपका स्टाइल, आपका बोलना अच्छा लगता है और आप जो आपका जो कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है, लाइक इयररिंग्स या कुछ भी एसेसरीज का. जो नेचुरली मुझे देखते हैं वो भी ऐसा ही बोलते हैं, जो आसपास मेरे फ्रेंड्स रहते हैं वो भी मुझे ऐसा बोल देते हैं. तो अभी जो किसी ने रिसेंटली लिखा है वो बोला है कि मैम मतलब एक नेचुरल ग्लो नहीं आ पाता है और क्या पहने क्या नहीं ये नहीं समझ आता है. और कुछ लोग अपने मोटापे से बड़े परेशान रहते हैं कि मोटापा आ गया है. तो देखिए मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, सबसे बड़ी चीज और सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल होता है वो आपका कॉन्फिडेंस होता है, वो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपको खुद से अपने लिए होना चाहिए. लेकिन ज्यादातर लोग उसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ दूसरों की बातों पे सोचते हैं, दूसरों को देख के अपने आप को जज करते हैं. मैं ऐसा नहीं करती, ये फर्स्ट बात हुई जो मैं आपको काउंट करा रही हूँ. सेकेंड बात जो मैं आपको बताऊंगी वो है, क्योंकि फर्स्ट होनी चाहिए थी लेकिन फर्स्ट पे यही होता है कि आपकी हैप्पीनेस आपके हाथ में नहीं है. आजकल दूसरे के हिसाब से चलते, किसी ने अच्छा बोला तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, किसी ने बेकार बोला सैड हो जाते हैं. नेचुरल फिनोमेना है, कोई नई बात भी नहीं है. तो मेरा ये कहना है कि मैं खुद क्या करती हूँ, मैं खुद से अंदर से हैप्पी रहती हूँ. दूसरों के कहने से थोड़ा बहुत लगता भी है तो उसे बोलती हूँ चल निकल जाए, वहां से दिमाग से निकल जाती है वो चीजें इजीली, क्योंकि उन चीजों को मैं प्रायोरिटी नहीं देती. मेरी प्रायोरिटी क्या है कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मैं क्या पहन रही हूं, मैं क्या खा रही हूं, ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी इच्छा है क्योंकि मेरी लाइफ है. मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा हैप्पी रहने का जो नेचर है वो नेचुरली मुझे अच्छा बनाता है. क्योंकि हम चेहरे से कितने भी अच्छे दिखें, ऊपर से कैसे भी दिखें, जब तक हमारा दिल अच्छा नहीं है, जब तक हम अंदर से खुश नहीं है, तो नेचुरल ग्लो नहीं आ सकता. तो वो नेचुरल ग्लो जो आपके चेहरे पे आता है वो आपकी हैप्पीनेस से आता है. ये जिस दिन आप समझ गए तो आप सच में बहुत खुश हो जाएंगे. तीसरी पॉइंट पे बात करते हैं. हमारा तीसरा पॉइंट है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है. तो मेडिटेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप 5-5, 10-10 मिनट के मेडिटेशन कीजिए जब भी आपको थोड़ा टाइम मिले और रिलैक्स करिए. और उस मेडिटेशन में आपको कुछ नहीं करना. देखिए क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी थॉट्स आती रहती हैं लेकिन उन थॉट्स का आना जाना नहीं रुकेगा. लेकिन आपकी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि आप जिस बारे में फोकस्ड हैं, जो आप सोच रहे हैं वही आप सोचें. आपको जैसे सोचना है कि मुझे ये चीज करनी है तो आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट करिए, बाकी जितनी भी थॉट्स आ रही हैं आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. तीसरी चीजें जो मैंने बताई है कि अपनी बॉडी को, नहीं सॉरी फोर्थ चीज आपकी जो है वो लास्ट है कि अपनी बॉडी को कैसे सही रखना है. तो अगर आपकी बॉडी मेंटेन है तो आप ऑब्वियसली बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हैं. बल्कि मैं बोलूंगी जो हेल्दी होती हैं थोड़ी सी, वो तो बहुत क्यूट लगती हैं. जो चबी लड़की होती हैं वो स्वीट भी लगती हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे हो, लेकिन आप कितना कॉन्फिडेंट हो ये बहुत मैटर करता है लाइफ में. देखिए जो नेचुरल ग्लो के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए जैसे हर दुनिया भर की वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो बताती हैं आपको पानी पीजिए, ये कीजिए, है ना, डाइट चार्ट ऐसे फॉलो कीजिए. तो बहुत जरूरी है आपको एक हेल्दी डाइट चार्ट फॉलो करना. मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का आपका स्केड्यूल पूरा वेल मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर एक सीक्वेंस में होना चाहिए जिससे आप उसको ढंग से फॉलो कर पाए. आपका रूटीन सिस्टमैटिक हो गया तो आपकी बाकी चीजें भी रेगुलाइज हो जाएंगी और आपके अंदर नेचुरली कॉन्फिडेंस आ जाएगा. देखिए आप अपने खाने पीने का ख्याल रखिए. सुबह में सच में 2-3 ग्लास
अपना पानी जरूर पीजिए, कुछ भी अगर उसमें डाल के नहीं पी रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा ल्यूक वाटर पीना चाहिए, हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए आपको। उसके बाद अपनी रोज के अपना रूटीन चालू करना चाहिए, थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज को इंक्लूड जरूर करें, चाहे आप 10-15 मिनट की करें लेकिन आप एक्सरसाइज जरूर करें, और मेडिटेशन तो बहुत जरूरी है ही आपके लिए। तो वो एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी बहुत की जो फंक्शनिंग होती है वो सही हो जाती है, बहुत सही रहती है, आप एक्टिव फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, तो काम भी बड़े अच्छे से कर पाते हैं। और जब आप जितना ज़्यादा बोलते हैं, जितना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करें, तभी आपका पानी पीने का भी मन करेगा। कुछ लोग कहते हैं मैम बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी पाते हैं, तो पानी जो लोग नहीं पी पाते हैं तो वो उसके सब्सिट्यूट ढूंढिए, जैसे कि बहुत सारी फाइब्रस चीज़ें आ रही हैं आजकल, खीरा ककड़ी है ना, तरबूज बहुत अच्छा है आपके लिए, वाटरमेलन आप बहुत यूज़ कर सकते हैं, और जितने भी फ्रूट्स हैं उन सब फ्रूट के पल्प को आप चेहरे पर भी लगा सकते हैं, वो भी आपको एक नेचुरल ग्लो देता है, बहुत अच्छा रहता है। जैसे मैं मुझे पपीता बहुत पसंद है तो मैं पपीता खाती हूँ, और पपीता के साथ साथ उसको अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ, 5-10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, और फिर उसके बाद अपना चेहरा वॉश कर लेती हूँ। तो वो चीज़ मुझे नेचुरली बहुत हैप्पी फील कराती है, क्योंकि मुझे लेकिन बात वही है, जब तक आप अंदर से नहीं सही है तब तक आप बाहर कितना भी कुछ करें कोई फायदा नहीं होगा। आप मेकअप करती हैं वो भी अच्छी बात है, लड़कियों के लिए ये जरूरी भी होता है, ठीक है, उनका राइट है श्रृंगार करना, है ना, नारी श्रृंगार के बिना अधूरी है, लेकिन एक नेचुरल ग्लो अगर आपके अंदर होगा तो वो मेकअप और ज्यादा निखर कर आएगा। तो देखिए उसके लिए आपको मैं बता रही हूँ ये सब चीजें, आपकी फ्रूट्स के पल्प को आप चेहरे पे लगा सकते हैं, टमाटो लगा सकते हैं आप चेहरे पे, टमाटर का है ना, और खीरे का जूस से आप मुंह धुल सकते हैं, थोड़ा कॉटन से आप चेहरे पे लगा लीजिए, छोड़ दीजिए, वो थोड़ा राहत भी देगा आपको, ठंडा ठंडा भी फील कराएगा, वो भी बहुत अच्छा है। बाकी आप दही खाइए, देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा फील कर रही हैं या हेल्दी फील कर रही हैं तो आप दूध ना पी के आप क्या करिए, दही लीजिए, मट्ठा पीजिए, आजकल कितना सही मौसम है और मट्ठा पीने का, तो आप मट्ठा पीजिएगा, वो नेचुरली आपके ग्लो देगा। मैं अपना सुबह से लेके शाम तक की मेरी डाइट बिल्कुल मतलब बिल्कुल फोकस्ड रहती हूँ मैं उसके थ्री, मैं जो 3 से 4 बार ग्रीन टी पीनी है तो मैं पीती ही हूँ, एवरी मील के बाद मैं अपनी ग्रीन टी पीती हूँ, उसके बाद मैं दोपहर में 1 से 2 ग्लास मट्ठा जरूर पीती हूँ, जिससे मुझे बहुत अंदर से एनर्जेटिक भी फील होता है, मैं सोने और खाना खाने के बाद स्लीपी भी फील नहीं होता है। तो ये आप कर सकती हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप रेस्ट में लाएंगे अपनी बॉडी को उतना ज्यादा आप फैट गेन करेंगी। तो अगर आपको एनर्जेटिक रहना है अपने काम में तो आप ये सब चीजें फॉलो कीजिए, मैं करती हूँ इसीलिए शायद मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, मुझे कभी भी अनहेल्दी फील नहीं होता है, और कभी कभी होता भी है तो वो मैं खुद से मेंटेन कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे उसका सोल्यूशन पता है, मुझे पता होता है कि मैंने ये चीज गलत कर दी है, मुझे ऐसे रेक्टिफाई करनी है, तो मैं कर पाती हूँ। रात में आप जैसे बहुत सारे सभी मतलब बहुत बोलते हैं कि लाइट रात को बहुत लाइट खाना खाना चाहिए, तो उसमें भी आप ऐसे चीज़ें इंक्लूड कर लीजिए जो आपको थोड़ा हेल्दी बनाए और आपका पेट भी भर जाए, है ना। तो जैसे आप अगर खाना चाहती हैं तो देखिए खीरा तो ऐसा हो गया है इस मौसम में कि आप कभी भी खीरा खाएं और बहुत अच्छा लगता है आपको, ठीक है, आप हेल्दी खाना इंक्लूड कीजिए। देखिए ओट्स और इन सब के लिए बहुत सारी वीडियोज आप देख सकते हैं, बस मेरा मोटिव ये है बताने का आपको कि अपने डाइट चार्ट को थोड़ा फॉलो कीजिए, अपने रूटीन को एकदम सही करिए, कि जिस टाइम पे आपने उठना है उसके 5-10 मिनट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन मत कीजिए, गैप मत लाइए कि आप 6 बजे उठते हो तो आप 7 बजे उठ रहे हो फिर 8 बजे, तो वो रूटीन सारा अगर आपका मॉर्निंग से खराब हो जाता है तो लास्ट तक आपके बेड तक जाने तक वो सारा ही खराब हो जाता है। इसकी वजह से आप फैट गेन करती हैं और उसकी वजह से आपको लगता है कि आप अच्छा नहीं फील कर रही हैं, कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रही, कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रही है, राइट। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको अपनी चीजों पे बिलीव होना चाहिए, अपनी चीजों को सही से मेंटेन करना आना चाहिए, और ये कोई भी नहीं सिखा सकता, ट्रस्ट मी गाइस। सिर्फ आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं लेकिन आप फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो करते हैं तो आधा फॉलो करते हैं फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप एक बार फॉलो करके देखिए अच्छे से, और प्लीज नेचुरल चीजें अगर हम यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट भले ही थोड़े टाइम के बाद आते हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो प्लीज करके देखिएगा और फिर मुझे अपने फीडबैक प्लीज दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपने फीडबैक देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी फायदा हो जाए। And thank you so much guys, thank you for watching me.